Hello everyone, I am Ariba Noman, rank 109 in UPSC CSE 2021. And GS1 में नोट मेकिंग कैसे करना है कि टेक फॉर एग्जाम्पल आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं, तो मेरा क्या था कि आर्ट एंड कल्चर की जो मेरी नोट्स थी, एक तो मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाई थी. कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि उसमें RS शर्मा है, उसमें फाइन आर्ट्स की जो NCERT है वो है, या मुझे कहीं से कोई वैल्यू एडिशन मिलता है आर्ट एंड कल्चर का तो वो मैंने उसमें डाला. तो इस तरह से ये कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनी. अब इसको मुझे रिविजन करने के टाइम पर प्रॉब्लम आएगी, तो वाई नॉट मेक अ साइनॉप्सिस ऑफ इट. तो उसमें क्या करना है कि आपने सारे सेंटेंसेस जो बड़े बड़े हैं वो डिलीट करा और एक एक वर्ड में आप उस चीज़ को ले आए. तो वर्ड से क्या है कि आपने वो वर्ड जैसे ही देखा आपको पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा. आपको पूरा वहाँ पे पूरा पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है आपने जो सेकेंड स्टेप पे जो नोट्स बनाई है. देन द थर्ड स्टेप इज जो आपकी नोट्स बनती हैं मेंस के 10 दिन पहले. जैसे 10 दिन पहले जो शॉर्ट नोट्स बनाई मैंने वो आई थिंक सबसे हेल्पफुल थी मेरे लिए इस पूरी जर्नी में. GS2 में हम क्या देख रहे हैं आजकल कि बच्चों का ओपिनियन ये है कि ये बहुत ही करेंट ओरिएंटेड पेपर होता जा रहा है. बट इफ़ यू सी पास्ट 2-3 ईयर्स पेपर, तो स्टैटिक का फिर से इसमें डोमिनेंस आ रहा है. तो इफ़ यू आर इग्नोरिंग लक्ष्मीकांत और योर एनी बेसिक बुक फॉर स्टैटिक, देन यू आर एट द फॉल्ट. आपको स्टैटिक हमेशा मजबूत रखना है इस पेपर में. बीट पॉलिटी, बीट IR, गवर्नेंस, जितने भी इसमें सब पार्ट्स हैं उसमें स्टैटिक पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, उसको इग्नोर मत करिए. और आपके मटेरियल वही रहेंगे, आपकी लक्ष्मीकांत रहेगी जो आप स्टैटिक में यूज़ कर सकते हैं. और लक्ष्मीकांत से आप एक ये भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कॉमेंट्रीज दी हुई हैं, कॉमेंट्रीज लाइक डॉक्टर अम्बेडकर ने कुछ कहा है, या ग्रैनविल ऑस्टिन ने कुछ कहा है, या आपके अलादे कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कुछ कहा है. ये बहुत अच्छे से आपको लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, तो इन चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करिए. आई बिलीव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जब तक आपने उन्हें नहीं किया है तब तक टेस्ट सीरीज का कोई मतलब नहीं है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अकाउंटेबिलिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल. टेस्ट सीरीज में दे कैन आस्क एनी रैंडम थिंग और आप उस पर क्रेजी हो जाते हैं कि यार ये पूछ लिया, अब आपको ये भी पढ़ना है, वो पूछ लिया, वो भी पढ़ना है. बट प्रीवियस ईयर का क्या है, एक ऑथेंटिसिटी है, एक अकाउंटेबिलिटी है. और उसके बाद आपको UPSC का दिमाग समझ आता है कि उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, राइट. आपको उसका आंसर क्वेश्चन फ्रेमिंग समझ आता है, जो कि कहीं कहीं से भी कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड इफ़ यू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देन आई बिलीव 60% ऑफ द टाइम्स 60% ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर. भले ही वो डायमेंशन चेंज कर दे पर थीम वही होगी.